भविष्यवाणी है 15 फरवरी 2007। अलबेलेपन, आलस्य और बहानेबाजी की नीति से जगाना ही और जगना ही शिवरात्रि का सच्चा जागरण है। ये है डिमोर। आज बाप दादा विशेष अपने चारों ओर के अति लाडले, अति शिकिल दे परमात्म प्यार के पात्र बच्चों के मिलने और विचित्र बाप बच्चों का बर्थडे मनाने आए। आप कभी भी आज विशेष विचित्र बर्थडे मनाने आए हो ना? ये बर्थडे सारे कल्प में किसी का नहीं होता। कभी भी नहीं सुना होगा कि बाप और बच्चे का एक ही दिन में बर्थडे हो। तो आप सभी बाप का बर्थडे मनाने आए हो अथवा बच्चों का भी मनाने आए हो? क्योंकि सारे कल्प में परमात्मा बाप और परमात्मा बच्चों का इतना अथाह प्यार है जो जन्म भी साथ साथ है। क्योंकि बाप को अकेला विश्व परिवर्तन का कार्य नहीं करना है, बच्चों के साथ साथ करना है। ये अलौकिक साथ रहने का प्यार, साथी बनने का प्यार इस संगम पर ही अनुभव करते हो। बाप और बच्चों का इतना गहरा प्यार है कि जन्म भी साथ है और रहते भी कहाँ हो, अकेले रहते हो या साथ में? अरे एक बच्चा उन्होंने उत्साह से कहते हम बाप के साथ कंबाइंड है। तो कंबाइंड रहते हो ना, अकेले तो नहीं रहते हो? साथ जन्म है, साथ रहते हैं और आगे के लिए भी क्या वायदा है? साथ है, साथ रहेंगे, साथ चलेंगे। कहाँ? अपने स्वीट होम में। इतना प्यार कोई और आप बाप बच्चों का देखा है? कोई भी बच्चा हो, कहाँ भी है, कैसा भी है, लेकिन साथ है और साथ ही चलने वाले हैं। तो ऐसा ये विचित्र और प्यारे से प्यारा जन्मदिन मनाने आए हैं। चाहे सन्मुख मनाए रहे हो, चाहे देश विदेश में चारों ओर एक ही समय साथ साथ मनाए रहे। बाप दादा चारों ओर देख रहे हैं कि कैसे सभी बच्चे उन्होंने उत्साह से दिल ही दिल में वाह बाबा वाह बाबा वाह बर्थडे ये गीत गा रहे हैं। अगर स्विच खोलते तो चारों ओर की आवाज, दिल के आवाज, उमंग उत्साह की आवाज बाप दादा के कान में सुनाई दे रही। बाप दादा सभी बच्चों का उत्साह देख बच्चों को भी अपने दिव्य जन्म की पदम पदम गुना बधाइयां दे रही। वास्तव में उत्साह
औकात की है उमंग उत्साह है मेरे नाम। तो आप सभी उत्साह से ये उत्सव मनाए रहे हैं। नाम भी भक्तों ने रखा है शिवरात्रि। आज बाप दादा उस भक्त आत्मा जिसने आपके इस विचित्र जन्मदिन मनाने को आप ज्ञान और प्रेम रूप में मनाते हो और उस भक्त महात्मा ने भावना सत्ता के रूप में आपके मनाने की काफी अच्छी की है, तो आज उस बच्चे को मुबारक दे रहे थे कि काफी करने में अच्छा पार्ट बजाया है। देखो हर बात की काफी है, काफी करने का भी तो अकल चाहिए ना। मुख्य बात तो इस दिन भक्त लोग भी व्रत रखते हैं, वो व्रत खाने पीने का रखते हैं। भावना में वृत्ति को श्रेष्ठ बनाने के लिए व्रत रखते हैं। उनको हर वक्त रखना पड़ता है और आपने क्या व्रत लिया? एक ही बार व्रत लेते हो, वर्ष वर्ष नहीं लेते हो। एक ही बार व्रत लिया पवित्रता का, सभी ने पवित्रता का व्रत लिया है, पक्का लिया है ना। जिन्होंने पक्का व्रत लिया है वो हाथ उठाओ। पक्का थोड़ा भी कच्चा नहीं। अच्छा दूसरा भी प्रश्न है, व्रत तो लिया मुबारक हो, लेकिन अपवित्रता के मुख्य पांच साथी हैं, ठीक है ना। कान हिलाओ, पांचों का व्रत लिया है या दो तीन का लिया है? क्योंकि जहां पवित्रता है वहां अगर अंश मात्र भी अपवित्रता है तो क्या हो, संपूर्ण पवित्र आत्मा उसको कहा जाएगा? पंद्रह जो 2007 की वाणी का दूसरा पेज, जो साथी है उनको हल्का तो नहीं छोड़ा है, छोटों से प्यार रखा है और बड़े को ठीक किया है। तो क्या बाप की छुट्टी है कि जो और चार हैं? क्योंकि पवित्रता सिर्फ ब्रह्मचर्य को नहीं कहा जाता है, पवित्रता कहा जाता है ब्रह्माचारी। ब्रह्माचारी बनना अर्थात पवित्रता का व्रत पालन किया। कई बच्चे रूढ़िहान में कहते हैं, रूढ़िहान तो सभी करते हैं ना, तो बहुत मीठी मीठी बातें करते हैं, कहते हैं बाबा मुख्य तो अच्छा है ना, बाकी छोटे छोटे ऐसे कभी मनसा में संकल्प आ जाते हैं, मनसा में आते हैं वाचा में नहीं आते, और मनसा को तो कोई देखता नहीं है। और कोई फिर कहते हैं कि छोटे छोटे बाल बच्चों से प्यार होता है ना, तो इन चारों से भी प्यार हो जाता है, क्रोध आ ही जाता है, मोह आ जाता है। हम चाहते नहीं है लेकिन आ जाता है। बाप दादा कहते हैं कोई भी आता है, तो आपने दरवाजा खोला है तब तो आता है ना, तो दरवाजा आपने खोला क्यों? दरवाजा खोला है कमजोरी का, कमजोरी का दरवाजा खोलना अर्थात आवाहन करना। तो आज के दिन बर्थडे तो बाप का और अपना मनाते हैं, लेकिन जो जन्मते व्रत का वायदा लिया है, पहला पहला
वरदान बाप ने क्या दिया याद है? बतले का वरदान याद है? क्या दिया वरदान? है पवित्र भव, योगी भव, सभी को याद है ना वरदान? याद है ना, भूल तो नहीं गए? पवित्र भव का वरदान एक को नहीं दिया है, और एक का पवित्र भव का वरदान नहीं दिया है, पांचों का दिया है। तो आज बाप दादा क्या चाहते हैं? बर्थडे मनाने आए हो, क्या दिया? बाप का भी मनाने बर्थडे आए हो, शिवरात्रि मनाने आए हो, तो बर्थडे की सौगात लाए हो या खाली आए हो? 70 वर्ष स्थापना के समाप्त हो रहे हैं, ये बात याद है ना? 70 वर्ष सोचो, चाहे आप पीछे आए हो लेकिन स्थापना के तो 70 वर्ष हो गए ना, चाहे अभी आए हो लेकिन स्थापना के कर्तव्य में आप सभी साथी हो ना, साथी तो हो गए ना, चाहे आज पहले बारी आए हैं। पहले बारी जो आए हैं वो हाथ उठाओ, जो मधुबन में पहली बार मिलने आए हैं वो हाथ उठाओ, लंबा हाथ उठाओ। अच्छा, आप सभी भी, चाहे अभी 1 साल हुआ है, 2 साल हुआ है, लेकिन अपने को क्या कहलाते हो? कहलाते हो ब्रह्मा कुमार, ब्रह्मा कुमारी, पुरुषार्थी कुमार नहीं कहलाते हो, क्या कहलाते हो? कोई अपने को पुरुषार्थी कुमार कहते हैं क्या? ब्रह्मा कुमार का साइन लगाते हो, सभी बी के लिखते हो या पी के लिखते हो? पी के अर्थात पी बी के, पुरुषार्थ ही कुमार लिखते हो क्या? तो वायदा क्या है? साथ ही रहेंगे, साथ चलेंगे, कंबाइंड रहेंगे, तो कंबाइंड में समानता तो चाहिए ना। आज के 70 वर्ष का उत्सव मनाते आए हो, बाप दादा ने देखा है जो भी जोन टर्न देता है 70 वर्ष का मनाते हैं, सम्मान समारोह मनाते हैं, मनाते हैं ना सभी, छोटी छोटी गिफ्ट दे देते हैं बस। लेकिन आज एक तो बस दे है, मनाने आए हो ना, और दूसरा 70 वर्ष समाप्त हुए, तो सम्मान भी मना रहे हो, बर्थडे भी मना रहे हो, तो बर्थडे में सौगात क्या देंगे? ट्रे दे देंगे, चादर दे देंगे, क्या सौगात लाए हो? चलो चांदी का गिलास दे देंगे। लेकिन आज के दिन बाप दादा की शुभ आशा है अपने आशाओं के दीपक बच्चों के प्रति है, तो बताएं, पहली लाइन बताओ, बताएं, बताना व सुनना इसका अर्थ क्या है? एक कान से सुनना और दिल में समाय देना, ऐसे निकालेंगे तो नहीं ना,
इतना तो नहीं है, लेकिन दिन में ही समय देते हैं। तो आज के दिन बताएं, पहली लाइन बताओ, कान हिलाओ, टीचर से कान हिलाओ। अच्छा, झंडा तो हिलाए रही, अभी डबल फाइनल बताए, अपने को बांधना पड़ेगा, तभी कहो हाँ ऐसे नहीं। क्योंकि 70 वर्ष देखो, 70 वर्ष तो बाप दादा ने भी अलबेलेपन, आलस्य और बहानेबाजी, आपके 70 वर्ष का खेल देख लिया। चलो 70 नहीं तो 50 वर्ष, 40 वर्ष अलबेलापन, आलस्य और बहानेबाजी की नींद में आराम से सो गए। फरवरी 2007 की रानी का तीसरा पेज। तो आज बाप दादा इन तीन बातों का हर समय जागरण देखने रहे, देखना चाहता है। कभी भी देखो क्रोध आता है, देह अभिमान आता है, लोभ आता है, आता है तो कारण क्या बताते हैं। एक बाप दादा को ट्रेडमार्क दिखाई देता है, कोई भी बात होती है ना तो क्या कहते हैं, कहते ये तो चलता ही है, पता नहीं किसने चलाया है, लेकिन शब्द यही कहते हैं, ये तो होता ही है, ये तो चलता ही है, ये कोई नई बात हो रही है, ये होता है। अरे ये क्या है, अलबेलापन नहीं है क्या? अरे सोचते हैं ये भी तो करता है। मेजॉरिटी क्रोध से बनने के लिए, बचने के लिए मैंने ये किया तो क्या हुआ, मैंने किया रंग, ऐसे नहीं कहते हैं सीधा, यह किया ना, ये हुआ ना, इसलिए हमसे भी हो गया। तो दूसरे पर दोष रखना बहुत सहज हो जाता है, अगर यह नहीं करे तो हमसे भी ये नहीं होगा। और बाप ने कहा बाप वो नहीं होगा, वो करे तो होगा। बाप की श्रीमत पर क्या क्रोध को नहीं खत्म कर सकते? आजकल क्रोध का बच्चा रोग, रोग भी भिन्न भिन्न प्रकार के हैं, तो क्या आज 4 का भी व्रत लेंगे? कौन 4 है? क्रोध लोभ मोह अहंकार। जैसे पहली बात का विशेष दृढ़ संकल्प में जाती नहीं किया है, क्या ऐसे ही 4 का संकल्प, ये बहाना नहीं देना, इसने ये किया तब मेरा हुआ। और बाप जो बार बार कहता है ये याद नहीं रहता, उसने जो किया वो याद आ गया, तो ये बहानेबाजी हुई, वो हो गई ना। तो आज बाप दादा बस देखी जिस चाहते, ये 3 बातें वो 4 को हल्का कर देती है। संस्कार का सामना तो करना ही है, संस्कार का सामना, ये पेपर है। एक जन्म की पढ़ाई और सारे कल्प की प्राप्ति,
आधा कल्प राज भाग, आधा कल्प पूज्य, सारे कल्प की एक जन्म में प्राप्ति होती है, वो भी छोटा सा जन्म है, पूरा जन्म तो नहीं है ना, छोटा सा जन्म है। तो बोलो क्या हिम्मत है, जो समझते हैं हिम्मत रखेंगे जरूर, ऐसे नहीं कि पुरुषार्थ करेंगे, अटेंशन रखेंगे, परंतु गेंगे नहीं चाहिए, छोटे बच्चे नहीं हो जो गेंगेंगे करते रहो। अभी 70 वर्ष पूरे हो चुके हैं, तो 3-4 मास के बच्चे भी गेंगे करते रहते हैं, तो आप बाप के साथी हो ना, आप विश्व कल्याणकारी हो, उसको तो 70 वर्ष पूरे हो रहे हैं, बाप दादा हाथ नहीं उठवाते, क्योंकि बाप दादा ने देखा है हाथ उठा के भी कभी कभी अलबेले हो जाते, लेकिन जो समझते हैं कुछ भी हो जाए, पहाड़ जैसा पेपर भी आ जाए, लेकिन पहाड़ को रुई बनाए देंगे, ऐसा दृढ़ संकल्प करने की, क्योंकि तो बहुत संकल्प अच्छे करते हो, बाप दादा भी खुश हो जाते हैं। जिस समय संकल्प करते हो तो बाप दादा खुश हो जाते हैं, लेकिन है क्या, 70 वर्ष तो हल्का थोड़ा, लेकिन बाप दादा देख रहे हैं कि समय का अब कोई भरोसा नहीं है, और ज्ञान के आधार पर हर पुरुषार्थ की बात में बहुत काल का हिसाब है। अच्छा, सोचते हैं अभी अभी कर लेंगे, बहुत काल का हिसाब है, क्योंकि प्राप्ति हरेक क्या क्या होता है, अभी हाथ उठवाते हैं राम सीता बनेगा कोई, तो राम सीता जो बनना चाहते हैं वो हाथ उठाओ, राजा ही मिलेगी, राम सीता की भी तो राजा ही मिलेगी ना, कोई हाथ उठाए रहे हैं, राम सीता बनेंगे, लक्ष्मी नारायण नहीं बनेंगे, हाथ उठाए रहे हैं। देखो आप, देखो कोई भी हाथ नहीं उठाए रहे हैं, फॉरेनर्स हाथ उठाए रहे हैं, डबल फॉरेनर्स में कोई उठाता है, जब बहुत काल का भाग्य प्राप्त करना चाहते हो, लक्ष्मी नारायण बनना अर्थात बहुत काल का राजभाग प्राप्त करना, तो बहुत काल की प्राप्ति है तो हर बात में बहुत काल तो चाहिए ना, अभी 63 जन्म के बहुत काल का संस्कार है तो कहते हो ना, हमारा ऐसा भाव नहीं था, हमारी भावना नहीं है, लेकिन हमारे संस्कार है 63 जन्मों के, तो बहुत काल का हिसाब हुआ ना, इसलिए बाप दादा यही चाहते हैं, संकल्प में दृढ़ता की कमी हो जाती है, हो जाएगा, चलता है, चलने दो, अभी कौन बना है। और एक तो बहुत अच्छी बात सबको आती है, बाप दादा ने नोट किया है, वो बातें नोट कर ली, अपनी हिम्मत नहीं चलती ना, तो कहते हैं महारथी भी ऐसे ऐसे करते हैं, हमने किया तो क्या हुआ, लेकिन बाप दादा पूछते हैं
जिस समय भमहर की गलती करता है उस समय तो होता है, अपने को देखने में थोड़ी हिम्मत तो चाहिए ना। 15 फरवरी 2007 की वाणी का 64 दिन तो आज बाप दादा हिसाब लेने आए हैं, लेकिन हिसाब का किताब खत्म करने की गिरत लेने आए हैं। कमजोरी और बहानेबाजी का हिसाब किताब बहुत बड़ा किताब है, उसको अभी खत्म करना है। तो हर एक जो समझते हैं हम करके दिखाएंगे, करना ही है, झुकना ही है, बदलना ही है, परिवर्तन सेरेमनी मनानी है। जो समझते हैं संकल्प करेंगे वो हाथ उठाओ। दस संकल्प करेंगे या चालू वाला करेंगे? चालू संकल्प ही करते हैं और दृढ़ संकल्प भी होता है। तो आप सबने दृढ़ संकल्प किया है, दृढ़ संकल्प का हाथ उठाया है। मधुबन वाले बड़ा हाथ उठाओ, इतना नहीं उठाओ। यहाँ मधुबन वाले बैठते हैं ना, तो बहुत नजदीक बैठने का चांस है। मधुबन वाले तो एकदम सामने बैठे हैं, पहली सीट मधुबन वालों को मिलती है। बाप दादा खुश है, पहले बैठे हो तो पहले ही रहना, मना पहली पहली सीट पर आगे बैठ जाते हो तो पहले नंबर में आ जाना। तो आज की तो बढ़िया हुई, बाप दादा को भी खुशी है, क्योंकि आप एक नहीं हो, आपके पीछे अपनी राजधानी में आपकी रॉयल फैमिली, आपकी रॉयल प्रजा, फिर द्वापर से जो आपके भक्त सतो रजो तम गुणी, तीन प्रकार के भक्त, बहुत लंबी लाइन है आपके पीछे। जो आप करेंगे वो आपके पीछे वाले करेंगे। आप बहानेबाजी देते हो तो आपके भक्त भी बहुत बहानेबाजी करते हैं। अभी ब्राह्मण परिवार भी आपको देख करके उल्टी कापी करने में तो होशियार हो गया है ना। तो अभी दृढ़ संकल्प करो, संस्कार का टक्कर हो, स्वभाव का मतभेद हो। तीसरी बात कमजोरी की होती है, कोई ने किसी के ऊपर झूठी बात कह दी तो कई बच्चे कहते हैं हमको ज्यादा क्रोध आता है इस बात पर, झूठ बोलने पर। लेकिन सच्चे बाप से वेरीफाई कराया, सच्चा बाप आपके साथ है, तो सारी झूठी दुनिया एक तरफ हो लेकिन एक बाप आपके साथ है। विजय आपकी निश्चित हुई पड़ी है। कब? जब बाप आपको अपने साथ अनुभव होता है। कोई आपको हिला नहीं सकता, क्यों नहीं हिला सकता? क्योंकि बाप आपके साथ कह रहे हैं झूठ है तो झूठ को झूठा ही कर दो ना, बढ़ाते क्यों हो? तो आज बाप को बहानेबाजी अच्छी नहीं लगती, ये हुआ, ये हो गया, ऐसा हुआ, ये है क्या? गीत समाप्त हो जाना चाहिए। अभी अच्छा हुआ, अच्छा होगा, अच्छा रहेंगे और अच्छा ही सबको बनाएंगे। तो अच्छा अच्छा का गीत गाओ। तो ये गीत पसंद है,
बहानेबाजी को खत्म कर देंगे, करेंगे। दो दो हाथ उठाओ। अच्छा, अच्छी तरह से हाथ हिलाओ, देखने वाले भी हाथ हिला रहे हैं, कहां भी देख रहे हैं हाथ हिलाओ, आप तो हिला रहे। अच्छा, अभी हाथ को नीचा करो, अभी अपने परिवर्तन की ताली बजाओ। यह दिन, ये समय, संगठन का चित्र सदा अपने सामने रखना। कभी भी कमजोरी आ जाए तो आने नहीं देना। गेट बंद, कमजोरी का गेट तो पता है ना, अभी इसे बंद करो, डबल बंद करो, डबल ताला लगा देना। आजकल सिंगल ताला वाला नहीं चलता है, एक याद का और एक मन को सेवा में बिजी रखने का। ये दो अलमारी ताले लगा दो, कौन कौन से, याद और सेवा। गॉडलेस का ताला नहीं, गॉड का ताला लगा दो। पक्का जागरण करना और पक्का व्रत रखना। बाप दादा को हर बच्चे से अति प्यार है, चाहे लास्ट नंबर भी हो, फिर भी बाप दादा का उस बच्चे से अति प्यार है। क्यों? ऐसे बच्चे कोई बाप को मिलने हैं? कैसे? जिनका बाप के साथ जन्म हुआ हो, बाप के साथी है, बाप के साथ ही रहेंगे। एक ही बाप दादा है जिसको ब्राह्मण बच्चे मिलते, कोई भी महात्मा हो, महामंडलेश्वर हो, धर्म पिता हो, कोई को भी ऐसे बच्चे मिले हैं? जो हर बच्चा कहे मेरा बाबा, ऐसा कोई है हिस्ट्री में? इसलिए बाप दादा हर बच्चे के महत्व को जानते। बच्चे कहते हैं हम गीत गाते हैं वाह 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 वाह, बाप कहते हैं आपसे भी 100 गुना ज्यादा बाप गीत गाता है, वाह बच्चे वाह। ठीक है ना? मधुमन वाले वाह वाह बच्चे हो ना, और पीछे वाले भी वाह वाह बच्चे हो ना। अच्छा, 15 फरवरी 2007 की वाणी पर का 5वां दिन। पाल को विशेष बाप दादा, टीचर को सुनना ध्यान से, गोपाल को दो सेवाएं देना चाहते, बताएं कौन सी? एक तो कोई ऐसा VIP लाए, जैसे अभी अभी एग्जाम्पल देखा राजस्थान का गवर्नर, और बेबी फैमिली, ये अच्छा अनुभव करके गई और साथ साथ जिम्मेवारी की सेवा भी की, जिम्मेवारी उठा के गई। सिर्फ अच्छा है, अच्छा है, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं ऐसे नहीं, अपने ऊपर जिम्मेवारी उठा के गई है। ऐसे कोई विशेष VIP मध्य प्रदेश में है? बाप दादा जानते हैं, छिपे हुए हैं,
सिर्फ उनको मैदान पर लाना चाहिए, और दूसरा जो भी बड़े बड़े सेवा केंद्र हैं जिनको आप बड़े कहते हो वो लिस्ट देना। तो हर एक बड़े सेंटर जिसके अंदर छोटे छोटे उप सेवा केंद्र गीता पाठशालाएं बहुत बहुत है, क्योंकि गीता पाठशालाओं की लिस्ट बापा दादा पूछते हैं तो बहुत बहुत गीता पाठशालाएं भी है। उन बड़े सेंटरों को कम से कम एक साल के अंदर, बहुत टाइम दे रही है इतना नहीं देना चाहिए, लेकिन एक साल के अंदर कम से कम बड़े सेंटर को अपना एक वारिस क्वालिटी सामने लाना है। चाहे अभी भी हो लेकिन यज्ञ के अंदर वो वारिस क्वालिटी प्रसिद्ध हो। ऐसे नहीं है कि बहुत है, कई सेंटर कहते हैं हमारे पास वारिस है लेकिन वारिस छिप नहीं सकते। वारिस की क्वालिटी होगी तो वो छिप नहीं सकेगा। बाप दादा गुप्त वारिस को नहीं मानता है, उसका कनेक्शन उसका रिलेशन कायदे प्रमाण होना ही चाहिए। ऐसा वारिस हर एक बड़ा सेंटर सामने लाए, बड़े सेंटर तो लाए सकते हैं ना। इसमें नहीं कहना हम तो छोटे हैं, छोटे नहीं बन जाना, छोटे भी हैं तो बड़े बनना, ठीक है ना। ठीक है, ठीक बोला, हाथ उठाओ जो समझते हैं छोटे भी बड़े बनकर के दिखाएंगे, वो झंडा हिलाओ, दिल से हिला रहे हो ना। तो ये दो कार्य भोपाल को करना है, ठीक है। भोपाल वाले आपस में ही तो कोई वारिस बनाएंगे ना, आप में से कोई वारिसदार निकलेगा ना, तो देखेंगे। वैसे तो 6 मार्च में तैयार होना चाहिए, लेकिन फिर भी बाप दादा 1 वर्ष की छुट्टी दे रहे हैं, ठीक है। बाकी सेवा का ये गोल्डन चांस लेते हो ये अच्छा है। बाप दादा सदा ही सुनाते हैं ये बहुत स्वोन्नति के लिए अच्छा चांस है। तो सेवा की जिम्मेवारी भी अलग नहीं है, यदि सेवा की जिम्मेवारी है वहां तो फिर भी समय और अटेंशन देना पड़ता है, यहाँ तो एक ही अटेंशन है स्वोन्नति और यज्ञ सेवा। यज्ञ सेवा का पुण्य अगर हर समय जमा करो तो आपके पुण्य का खाता बहुत जल्दी बढ़ सकता है। तो अच्छा किया है, संख्या भी अच्छी लाए है, चांस अच्छा लिए। अभी आगे की रिजल्ट देखेंगे। अच्छा, 7 देशों के 700 डबल विदेशी आए। बाप दादा को डबल विदेशियों को देख एक बात की विशेष खुशी होती है और एक्स्ट्रा खुशी होती है वो इस बात की कि शुरू शुरू में जब डबल फॉरेनर्स आए थे, टीचर्स को याद होगा, तो भिन्न भिन्न कल्चर से ट्रांसफर होने में बड़ी मेहनत लगती थी, लेकिन अभी बाप दादा ने देखा है इसकी चर्चा इतनी नहीं होती है। इसका क्या कारण है? क्योंकि एक दो के संगठन को देख वृद्धि अच्छी हुई और बाप दादा सुना भी है कि मेजॉरिटी अपने अपने आसपास संदेश देने का कोई ना कोई साधन अपनाते हैं। तो संदेश देने का उमंग अच्छा है, उसकी रिजल्ट में देखा गया है कि हर टर्न में विदेशियों का ग्रुप कम नहीं होता है, क्वालिटी भी अच्छी है और क्वांटिटी भी बढ़ती जाती है, क्योंकि एक चंदन का वृक्ष बन गए हैं। तो चंदन का वृक्ष देख बाप दादा खुश होते हैं। समाचार तो बाप दादा के पास पहुंच ही जाता है, चाहे आप ईमेल में भेजते हो तो बाप दादा के पास तो काफी पहले आ जाती है।
सेवा का उमंग अच्छा है। अभी सिर्फ आपका एक ही स्लोगन है, एक बात ही संसार है। जब है ही एक संसार तो नंबर एक हुआ ना, जैसे आपका टाइटल है डबल फॉरनर, तो पुरुषार्थ में संकल्प के धर्ता में भी डबल फोर्स का पुरुषार्थ करके दिखाओ, अटेंशन रखते हैं तो अंतर क्या हो जाता है, तीव्रता की धर्ता कम हो जाती है। प्रोग्राम बहुत अच्छा बनाते हो, बाप दादा भी टॉपिक सुनाते हैं, टॉपिक सुनते भी है, ग्रुप ग्रुप के पुरुषार्थ के विशेष विषय देख करके बहुत खुश होते हैं। लेकिन क्या है, जब टॉपिक शुरू करते या लक्ष्य रखते हो वो बहुत फोर्स का रखना चाहते, फिर कुछ न कुछ पेपर आ जाता है और वो पेपर तो आना ही है, बिना पेपर कोई पास नहीं हो सकता, तो उस पेपर के आने में दृढ़ता की कमी हो जाती है और साधारण पुरुषार्थ हो जाता है। सदा दृढ़ता रहे इस बात की कमी हो जाती है, तो सब में डबल पुरुषार्थ ही बनो, करके दिखाएंगे बन के दिखाएंगे, ठीक है ना। इतना उमंग उत्साह है ना, सिर्फ दृढ़ता को चेक करो, अपनी दृढ़ता को चेक करेंगे बातों में नहीं जाएंगे, अपनी दृढ़ता को देखो। अच्छा, डबल विदेशी कुमारियों का सोच, अच्छा आपने ये बैनर बनाया है, हाथ हिलाओ, ये अच्छा करते हो, क्योंकि मधुबनी के वायुमंडल का भी प्रभाव पड़ता है, दादियों का भी प्यार और बच्चियों के वायुमंडल का साथ होता है, तो ये जो स्पेशल टॉपिक रखते हो और आपस में रूढ़िहान करते हो तो इसमें समझते हो कि स्पेशल मदद मिल जाती है, मिलती है मदद। अच्छा, ये नशा कितना समय रहता है जो मदद मिलती है, ये 8 मास रहता है कि सदा रहता है, इसको रिवाइज करो, अंदर में रिवाइज करो और रियलाइज भी करो, जो भी ज्ञान की बातें हैं उसको रिवाइज भी करो और रियलाइज भी करो। एक एक पॉइंट जो शिक्षा की मिलती है या नशे की खुशी की मिलती है सबको रियलाइज करो, अपने आप से रियलाइज करो कि हर बात अनुभव में है, अनुभव किया है या सिर्फ नॉलेज के आधार पर सोचते हो। नॉलेज के आधार पर सोचना, सुनना, वर्णन करना, ऐसा करते हो क्या? बाप दादा ने टोटल देखा है, चाहे देश में चाहे विदेश में, हर पॉइंट के अनुभव में दीप में जाना, ये थोड़ा अटेंशन कम है। सुनने और सुनाने में अटेंशन अच्छा होता है, उसमें तो नंबर वन है, लेकिन अनुभवी मूर्त बनना, चलते फिरते आत्मा का अनुभव होना, बाप के कंबाइंड रूप का अनुभव होना, ये अनुभव में कमी हो जाती है, इसलिए रियलाइज करो तो रियल गोल्ड बन जाएंगे। बाकी बाप दादा खुश है, अटेंशन भी टीचर्स देती है, आपकी दादी जानकी बहुत अटेंशन देती, इतना ही अटेंशन जितना ही आपके ऊपर देती है और उम्मीद रखती है, उतना हर एक अपने ऊपर जो बाप की उम्मीदें हैं उन बाप की उम्मीदों का भी अटेंशन रखें,
तो आप नंबर वन तो हुए ही पड़े हैं। अपनी कमी को रियलाइज करते भी हो लेकिन परिवर्तन करने में कमी हो जाती है। तो बाप दादा ने देखा है एक दृढ़ता की कमी है और दूसरी मन को एकाग्र करने की, मन को एकाग्र करने की विशेषता जिस घड़ी चाहे उस घड़ी अपना मन एकाग्र हो जाए, जहाँ चाहो वहाँ एकाग्र हो जाए, इस बात की कमी। इसके ऊपर अटेंशन देंगे चाहे भारत वाले हो चाहे फॉरेनर, दृढ़ता और एकाग्रता अभी तक भी व्यस्त चालू है, एक नामी नहीं है। संकल्प वाणी संबंध संपर्क में भी हर संस्कार स्वभाव में भी एक नामी, एक नामी भी जरूरी है, इकोनॉमी भी जरूरी है। यज्ञ की इकोनॉमी, जितनी संकल्पों की इकोनॉमी, ये इकोनॉमी जितनी होगी उतनी यज्ञ की इकोनॉमी के बिना रह नहीं सकेंगे। यज्ञ की इकोनॉमी का स्वभाव नहीं बनता है, संस्कार ही मध्य नहीं होता है। इससे समझो समय संकल्प को खजाने की इकोनॉमी की आदत नहीं है, इसलिए यज्ञ इकोनॉमी का संस्कार इमर्ज नहीं होता। तो दृढ़ता एकाग्रता और इकोनॉमी ठीक है। बाकी बाप दादा खुश है, सेवा के प्लान में भी खुश है, अच्छी सेवा कर रही है ना। ये सामने गायत्री बैठी है, सेवा का उमंग इसमें है ना। अच्छा, इंटरनेशनल मदर गुड, इसको बहुत अच्छा बना लेते हैं, ये इनों की विशेषता है, अच्छा बनाते हैं तो इनकी भावना जल्दी पहुंचती है। तो जितनी भी मदद खड़ी हुई है हर समय अपने जगत के बच्चों को भाइयों को वाइब्रेशन देती रहो। 15 फरवरी 2007 की वाणी का 7वां दिन, जैसे माँ प्यार से बच्चे की पालना करती है ऐसे आप सभी को बच्चे समझ के पालना करो, ये वाइब्रेशन फैलाओ ठीक है। कभी देखेंगे सारे दिन में हर माता ने जगत माता बन वाइब्रेशन फैलाए, इसमें स्वउन्नति ऑटोमेटिक है, ये हरेक करके दिखा रहे। ये माताएं अच्छी है बाप दादा की नजर में और हिम्मत वाली है तो आप कर सकती है, तो आगे बढ़ना। अच्छा, रशिया वालों ने प्रोजेक्ट बनाया है, उसमें 50,000 किलोमीटर का सफर तय करके 150 शहरों की सेवा करेंगे, ऐसा प्रोजेक्ट बनाया, ये तो अच्छा है। बाप दादा ने बच्ची द्वारा भी समाचार सुनाया था और बाप दादा को एक बात ये भी अच्छी लगी जो बाप दादा ने कहा था, ओके में रिजल्ट भेजना, वो भी अच्छी तरह से भेजा तो मुबारक। और ये भी प्लेन सुना था, अच्छा उमंग उत्साह से बनाया है और विधि भी जो बनाई है वो सहज हो जाएगी, तो उमंग उत्साह में सफलता समाई हुई, अंक भी अच्छे है, संख्या भी अच्छी है, तो बाप दादा को ये पसंद है। और सबकी सुभावना अभी अभी सुन रहे हैं तो सभी की सुभावना भी आपके साथ है, आपके इस प्रोग्राम के साथ है। अच्छा मुबारक। मोहिनी बहन ने सुनाया बॉम्बे से दादी जी ने और साथ में सभी सेवा साथियों ने बहुत बहुत याद भेजी,
दादी तो सबके दिल की प्यारी दादी है, सभी दिल से अपने प्यार की शुभ लहरें भेज रही है। और बाप दादा ने सुनाया था कि चाहे दादी के लिए कहेंगे ऐसे कि पेशेंट है, लेकिन वह प्रैक्टिकल में डॉक्टर्स भी आके दिखाते हैं, ये पेशेंट नहीं है लेकिन पेशेंस में रहने वाली है। पेशेंट होते हुए भी पेशेंस का सहज रूप स्वरूप क्या होता है वो दिखाई नहीं है। आपको लगेगा दादी को कुछ हो रहा है, लेकिन दादी से पूछेंगे तो कहेगी कुछ नहीं है। तो ये पेशेंट नहीं है, पेशेंट का स्वरूप दिखाई नहीं है। बीमारी भी है लेकिन न्यारी और प्यारी है, बीमारी चल रही है लेकिन वो अपनी मस्ती में है। ये शरीर प्योरीफाई हो रहा है अपनी लास्ट स्टेज भविष्य और भक्ति की स्टेज बन रही है। क्या कहा? क्या स्टेज बन रही है? अपनी लास्ट स्टेज भविष्य और भक्ति की स्टेज बन रही है। अभी है जीवन में होते मुक्त और लास्ट समय में है अर्थ देवता प्रसिद्ध होना और भक्ति में है इष्टदेव बनना। तीनों ही संस्कार का पाठ बजाई गई। बाकी जो भी सेवादारी सेवा करते हैं वो भी दिल से कर रहे हैं, दृष्टिकोणों के लिए नहीं है, वो तो दिन रात अपने दिल से कर रहे हैं। लेकिन सारे ब्राह्मण परिवार में भी कोई बेस्ट फास्ट नहीं चलाओ, दादी आपकी है आपकी ही रहेगी। बाप दादा ने देखा है जब ब्रह्मा बाप अव्यक्त हुए और दादी को दृष्टि दी, उस दृष्टि की विल पावर से बहुत सर्विस नहीं, सर्व समर्थ सर्व कार्यकर्ता निमित्त निर्माण, इसमें ब्रह्मा बाप को पूरा पूरा फॉलो करते हुए सारे ब्राह्मण परिवार में शक्ति भरी। और बाप दादा की अपनी दादियों के साथ साथ रह करके बहुत अच्छा पाठ बजाया। अभी भी सूक्ष्म में आपके साथ पाठ बजाई रही है। बाप दादा भी दादी की कमाल करते हैं, सबको संगठन के बंधन में इतने और सहयोग के आधार से बांध लिया और ये अमर वरदान है। किसको है? दादी को। सबका प्यार अच्छा है ये देख करके बाप दादा को बहुत खुशी हो रही है। कौन सा धर्म है जो सब साथियों को संगठन में बांध के रखता है? अंत तक भी बांधे हुए हैं। धर्म दिखाई देता है? इतनी बड़ी संख्या संसार में तो भी संगठन के एक सूत्र में बांधे हुए हैं, इस्लाम धर्म। तो बोला सबको संगठन के बंधन में सहयोग के आधार पर बांधा हुआ है। बाकी बाप दादा देख रहे हैं क्योंकि सभी ने कार्ड भेजे हैं, पत्र भेजे हैं, ग्रीटिंग्स भेजे हैं, वो बाप दादा ने स्वीकार किए और रिटर्न में एक एक को नाम और विशेषता सहित याद प्यार दुआएं दे रहे हैं। जिन्होंने कार्ड और पत्र द्वारा नहीं लेकिन दिल से संकल्प से अपना उनको उत्साह भेजा है, उन सभी बच्चों को बहुत बहुत पदम गुना याद प्यार और दिल की दुआएं।
15 फरवरी 2007 की वाणी था 8 बजे। अभी जो बाप दादा ने कहा वो हरेक एक मिनट के लिए दृढ़ संकल्प स्वरूप में बैठो कि बहानेबाजी आलस्य अलबेलापन को हर समय दृढ़ संकल्प द्वारा समाप्त करेंगे और बहुत काल का हिसाब जमा करना ही है। कुछ भी हो कुछ नहीं देखना है लेकिन बाप के दिल तक नसीन बनना है और विश्व के दिल तक नसीन बनना है। इस दृढ़ संकल्प स्वरूप में बैठ जाओ। अच्छा चार ओर के सदा उमंग उत्साह के अनुभव में रहने वाले सदा दृढ़ता सफलता की चाबी को कार्य में लगाने वाले सदा बाप के साथ और हर कार्य में साथी बन रहने वाले सदा एक नामी और एक अनामी एकाग्रता स्वरूप में आगे आगे उड़ने वाले बाप दादा की अति लाड़ले शिकील ले विशेष बच्चों को बाप दादा के याद के अनुभव दादियों से। अभी दादियां भी शिकील भी हो गई है। शिकील भी माने बहुत दिनों के बाद कोई खोया हुआ बच्चा मिलता है तो कहते हैं बड़ी सिख से बड़े प्यार से माँ बाप उससे मिलते हैं। तो दादियां भी अभी सिकिलली हो गई है गिनती में आ गई है। सिकिलली हो गई है ना बस गीत गाते रहो इतना प्यार करेगा कौन। बाप कहता है इतना करते हैं बच्चे बच्चे नहीं होते तो बाप क्या करता बच्चे नहीं होते तो बाप कौन कहता। जानकी दादी ने कहा बाबा संसार तो है लेकिन संस्कार में आ जाए। बाबा अभी यह करो ना लेकिन बाप करेगा तो कौन पाएगा। बाप करेगा तो बाप पाएगा ये भी बाप करे तो बाप को फल पाना ही नहीं है क्या। बाप करेगा तो बाप फल पाएगा सहयोग देना ये बाप का कर्तव्य है। टांग भी लगा दे पांव भी लगा दे लेकिन चलना तो खुद को पड़ेगा ना। अच्छा बहुत अच्छा तीनों बड़े भाइयों से शिवरात्रि का यादगार बाप और बच्चों के इकट्ठे जन्म का याद प्यार तो संगठन की शक्ति। आपने भी अकेला कुछ नहीं किया बच्चों के साथ हर कार्य किया तो संगठन की शक्ति उसको फिर से प्रैक्टिकल स्टेज पर लाना चाहिए। एक ने कहा और दूसरे ने किया ये दो की बातों को न देख संगठन को मिलाना यही बात आवश्यक है। आप निमित्त आत्माओं का ये काम है संगठन को स्टेज पर प्रत्यक्ष करना अभी यही आवश्यकता है। बोली दादी ने 9 फरवरी को शरीर छोड़ दिया बोली से भी सबका प्यार था चाहे कैसी भी तबीयत रही लेकिन भंडारा नहीं छोड़ा। जो ब्रह्मा बाप ने भंडारे में बिठाया तो अंत तक भंडारा नहीं छोड़ा ये भी कर्मणा की विशेष देवी रही।
इसलिए सभी का आंतरिक प्यार अच्छा रहा। उनका अभी मीरा भी अच्छा करेगी। उनके स्थान पर कौन आई? मीरा। हाँ क्यों नहीं करेगी, जरूर करेगी, क्योंकि मीरा ने भी पालना तो अच्छी ली है ना। अच्छा बाप दादा ने डायमंड हाल की स्टेज पर अपने हाथों से तिरंगा ध्वज फहराया और सबको बधाई दी। सभी ने बहुत बहुत प्यार से बाप का बर्थडे और अपना बर्थडे मनाया। इसकी पदम पदम गुना मुबारक हो, बधाई हो। जैसे ये चिन्ह रूप का झंडा लहराया और फूल बरसाए, ऐसे ही हरेक आत्मा के दिल में बाप की याद का झंडा, स्मृति का झंडा लहराओ। आपके दिल में तो है ही, लेकिन अभी सबके दिलों में बाप का झंडा अर्थात याद का झंडा लहराओ, तो सारा विश्व फूलों का बगीचा बन जाएगा। कांटों का जंगल खत्म हो, फूलों का बगीचा बन जाएगा। ऐसा संकल्प सदा दिल में मत करो, ये करना ही है, होना ही है, हुआ ही पड़ा है, सिर्फ इसके लिए निमित्त बनना है। अच्छा ओम शांति।